बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशंस, तो हम अरियापाला भिक्षु, तो इसका फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ तो हम ज़मीन खरीद किया 2011, तो इसके बाद में हम कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ टेंपल बनाने के लिए, तो और इसके साथ साथ से छोटा छोटा बंद जिलों को भी शिक्षा देने के लिए वो भी सेंटर किया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रेनिंग स्कूल। और इसके बाद में जो यहाँ बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त मिला बुद्ध गया, तो यहाँ से तो इसीलिए हम सोचा कि बुद्ध भगवान का ऐसा और एक मूर्ति बनाना के लिए जो यहाँ से सब आदमी का जानकारी हो जाएगा कि यहाँ बुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त मिला, यहाँ से हर दुनिया पर बुद्ध भगवान का ज्ञान अभी फैल गया, स्प्रेडिंग हुआ बुद्ध टीचिंग का और कंट्री पर। तो यहाँ से बहुत सारा आदमी आता है ये पुण्य स्थान के देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, रेस्पेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर और जो भगवान बुद्ध अभी हमारा पीछे वाला देख रहा है, तो इंडिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्टेचू अभी बन रहा है। तो ये वाला इंडियन बिगेस्ट हिस्ट्री का रिक्लाइन बुद्ध स्टेचू अबाउट 100 फीट 100 फीट का हो रहा है। तो यहाँ पर भी आदमी लोग आएगा, तो इसी और यहाँ पर बहुत सारा टेंपल पर बहुत सारा मूर्ति है, तो ऐसा वाला मूर्ति कहाँ भी कोई टेंपल पर नहीं है। तो वो जो मुर्दा बोलता है शयन का मुर्दा बोलता है और रिलैक्स मुर्दा भी है, तो इसी ढंग से रह करके बुद्ध भगवान कभी कभी रेस्ट किया था, आराम किया था। और जो उनकी मग महीना पर और फेब्रुआरी महीना पर उनको डिक्लेयर किया था कि आज से 3 महीना का बाद में बैसाखी पूर्णिमा से वो देहांत हो जाएगा, तो ऐसा करके बुद्ध भगवान जो पोर्शन देख रहे हैं, मुद्रा देख रहे हैं, ऐसा करके वो डिक्लेयर किया था। और जब कुशीनगर पर उन लोग उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त किया, परिनिर्वाण का पहला भी ऐसा करके उन्हें लास्ट प्रवचन भी दिया था, तो इसीलिए हम ऐसा मुद्रा बनाया। तो ये वाला हम ऑर्डर दिए बनाने के लिए 2019 पर दिसंबर महीना पर, तो दिसंबर महीना से जनवरी से काम शुरू करने का बात था, फिर बाद में तो कोरोना के कारण से तो बंद हो गया था काम, फिर जुलाई महीने से काम शुरू किया। तो फिर बाद में कभी कभी जो कोविड का रिस्ट्रिक्शन दिया काम बंद रखने के लिए, तो बंद रखा। तो अभी अभी इस महीना पर पूरा काम ख़त्म हो जाएगा, पूरा गोल्डन कलर होगा। 6 फीट का लंबा है 100 फीट एंड 30 फीट ऊँचाई है और वाइट है 24 फीट। लोगों को देखना चाहता है कि बुद्ध भगवान ऐसा करके कि भी कभी कभी आराम किया और जो बुद्ध भगवान लास्ट प्रवचन भी दिया, ऐसा मुद्रा रह करके बुद्ध भगवान लास्ट प्रवचन भी दिया। तो फाइबर ग्लास इसका मटेरियल्स हो रहा है फाइबर ग्लास का, ये कारीगर कोलकाता का मिंटू पाल, तो उन्हीं विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा स्टेचू उन्हें बनाया था। तो उस देख करके दुर्गा मूर्ति जो सारा विश्व का बड़ा स्टेचू बनाया था, इसी कारण से उनको भी हम ये ऑर्डर दिया कि वो उसको एक्सपीरियंस से बड़ा मूर्ति बनाने के लिए, तो शिल्पी मिंटू पाल उन्हें बनाया था। हाँ, लोग को बताना चाहता हम कि जो बुद्ध भगवान का आदमी के लिए के काम किया, हमारा सुख शांति के लिए काम किया, तो डायरेक्टली वो ऐसा करके नहीं सोआ, ठीक है ना। वो जब बुद्ध भगवान का बना, इसी ढंग से कभी कभी रिलैक्स किया, ठीक है ना, आराम किया था। तो और कभी कभी सोच लिया और मानव से और कैसा करके मानव को सुख दे सकता है और मानव के लिए काम कर सकता है, ऐसा करके सोच करके बुद्ध भगवान फिर धर्म का प्रचार किया और आदमी के लिए काम किया था। इस महीने तक मूर्ति का काम ख़त्म हो जाएगा और टेंपल का काम और 1 साल लगेगा। तो अगला साल फरवरी महीने का और लास्ट पर इनॉग्रेशन होगा। ABP News, आपको रखे आगे।